मैं समझता हूँ कि बाहर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, मीडिया थोड़ा हाईलाइट भी करता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसको संभाल लिया जाएगा। कोई बहुत ऐसी लड़ाई नहीं है, थोड़ा मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर आपस में कोई इस तरह की लड़ाई है। ये सब संभलने योग्य है। अब मैं काम करते करते थक गया है, अब नए युवा ऊर्जावान आदमी को लगाया गया है कि ताकि और ऊर्जा से हम लोग काम कर सकें। वो कैसे काम कर रहे हैं? एक साल आपने कोई घाटा खींचा होगा? अच्छा, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, और अभी उनको केवल 3 महीना हुआ है, आगे चलकर और अभी मौका है और बेहतरीन काम करेंगे। हमारी तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है, उससे मैं समझता हूँ कि जो सरकार की स्टेबिलिटी है या सरकार के काम करने का तरीका है उससे नहीं आंका जा सकता। नहीं, देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की 18 मार्च 2017 से चल रही है, वो तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है। तब भी TSR था, आज भी TSR है। नाराज रहे वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं इस बात का। सर, कांग्रेस, अब कांग्रेस का ऐसा स्वभाव रहा है, उन्होंने लगभग 75-77 बार देश में अनेक राज्यों में आपातकाल लगाया है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया। कांग्रेस हमेशा अपने स्वार्थ की बात करती है, उसको लगता होगा कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चलो कुछ नहीं तो यही डिमांड कर लो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सेवा भाव का अभाव है। अच्छा होता इस कोविड के संकट में वो गरीब लोगों के बीच में जाते और उनकी सेवा के कुछ काम करते। सर, 2022 जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी मुखिया की पोस्ट ही ऐसी होती है, उस पर हमला होते रहते हैं।